दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड 350 के रियर ब्रेक शू चेंज करके बताएंगे। इसके लिए क्या क्या आपको टूल्स लगेंगे वो सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस नट को खोल लेना। उस नट को खोलने के लिए आपको 24 नंबर सॉकेट चाहिए होगी और सॉकेट रॉड्स चाहिए होंगी, जहां आप रिंग स्पैनर से भी 24 नंबर रिंग स्पैनर से भी इस नट को खोल सकते हैं। इस तरीके से आपने एक्सल को बाहर निकाल लेना है। जब आप एक्सल को बाहर निकालेंगे तो ये दो स्लीप लगे होंगे इसके साथ। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको फिट करना है। तो चलिए टायर को बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं हमने टायर को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको खोलेंगे ब्रेक रॉड। खोलने के लिए आपको 13 नंबर टी सॉकेट चाहिए होगी। 13 नंबर डबल एंड स्पैनर से भी आप इस नट को खोल सकते हैं। तो ब्रेक रॉड खोलने के बाद आपको ये 30 नंबर नट को खोलना है 30 नंबर सॉकेट के साथ। तो चलिए खोलते हैं। उसके बाद आपने 19 नंबर इस नट को खोल लेना है 19 नंबर रिंग स्पैनर के साथ। उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना चेन से इस तरीके से। तो ये है हमारे ब्रेक शू। बाद हम ब्रेक शू प्लेट को साफ कर लेंगे अच्छे से। ब्रेक शू प्लेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुकी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम लगाएंगे इसकी केम को ऑयल। डाल देंगे इसमें नए ब्रेक शू। तो ये प्राइस है ब्रेक शू का। चलिए ब्रेक शू फिट करते हैं। चलिए ये बता देते हैं आपको, आपने ब्रेक शू फिट कैसे करने हैं। इस स्प्रिंग को इस तरीके से लगाना है और इस स्प्रिंग को इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से आपने इसको फिट करना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से ब्रेक शू फिट हो जाएंगे। उसके बाद आपने ब्रेक शू को सेट कर लेना है। ये बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से ब्रेक शू बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम इस स्प्रिंग को इस तरीके से लगा देंगे। तो हमारे ब्रेक शू अभी हो चुके हैं फिट। अब हम सैंड पेपर से इसकी पिछली स्प्रॉकेट को साफ कर लेंगे। अब हम ब्रेक शू प्लेट को फिट कर लेंगे। इस तरीके से फिट करना आपने।
इसको दोस्तों हाफ एक्सल बोलते हैं। इस हाफ एक्सल में कट होता है, इसको किस किस तरीके से फिट करना है मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से आपने इसको फिट कर लेना है, उसके बाद इसको लगाएंगे, उसके बाद हम 30 नंबर नट को लगा देंगे। इससे हम चेन को एडजस्ट कर लेंगे, इस पर नंबर होते हैं आप देख सकते हैं, जूम करके बता देंगे हम आपको, इसमें नंबर होते हैं। इस तरीके से आपने चेन को टाइट या लूज कर लेना है, चेन को ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा लूज रखना है, अपने तरीके से चेन को सेट कर लेना। उसके बाद हम इस नट को टाइट कर देंगे। अब वॉशर लगा लेंगे, उसके बाद ये 19 नंबर नट लगा लेंगे। अब ब्रेक रॉड लगा लेते हैं इसकी, इस तरीके से ये नट है, इसको इस तरीके से लगाना है, प्लेन साइड बाहर आएगी नट की। कभी भी इस नट को फिट करना है तो इसको लॉक कर लेना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपने। देखिए इस तरीके से इसको लॉक कर लेना। एक शू फिट हो चुके हैं, अब हम टायर फिट करते हैं। तो टायर फिट करने से पहले इसके बैरिंग चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आपने टायर को फिट करना है, हमें इस टायर को इन कट्स में फिट करना है। बाद ये स्लीप्स आपने फिट करने हैं, दो स्लीप होंगे, ये स्लीप है, इसको इस तरीके से फिट करना, और उसके बाद इस स्लीप को इस तरीके से, उसके बाद आपने एक्सल लगा लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, चेन एडजस्टर को दोनों साइड पे बराबर रखना है। जैसे मान लीजिए इस साइड पे ये 15 नंबर पे है, दूसरी साइड पे भी हमने 15 नंबर पे ही रखना है। एक्सल के नट को लगा लेंगे, ब्रेक शू हमारे फिट हो चुके हैं। इसका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और भी सर्विस के रिलेटेड नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।